नए तरीके से जुड़ा है। इकतीस तारीख रात को देश में पहली बार किसी मुख्यमंत्री का गिरफ्तार हुआ हो, गिरफ्तारी हुई हो, मेरे संज्ञान में नहीं है। यह मुझे लगता है यह पहला घटना है और मुझे लगता है इस घटना को अंजाम देने में कहीं ना कहीं राजभवन भी शामिल रहा है और जिस तरीके से यह घटना घटित हुई है मैं बहुत आश्चर्यचकित हूं इसलिए कि मैं एक आदिवासी वर्ग से आता हूं। नियम कायदे कानून की जानकारी का थोड़ा अभाव रहता है, बौद्धिक क्षमताएं अभी हमारे विपक्ष के बराबर हम लोगों की नहीं है, लेकिन सही गलत की समझ तो हर इंसान भी रखता है, हर जानवर भी रखता है। अध्यक्ष महोदय, बड़ी सुनियोजित तरीके से बड़े लंबे समय से 2022 से 31 तारीख को दिए गए अंजाम की पटकथा लिखी जा रही थी। बड़े तरीके से उस पकवान को बहुत धीमी आंच में पकाया जा रहा था, लेकिन ये इनकी जो पकवान है ये पकने को तैयार नहीं थे, लेकिन इनकी इन प्रकार इन्होंने इस आधे अधूरे पकवान को अपने लिए परोसा और बड़ी सुनियोजित तरीके से मुझे अपनी गिरफ्त में लिया है। और आज कहीं ना कहीं ऐसा लगता है अध्यक्ष महोदय कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जो सपना था कि सभी जात धर्म के लोग एक समान प्लेटफॉर्म पे आए, एक बराबरी और एक साथ चले, मुझे लगता है कि जिस तरीके से बाबा भीमराव अंबेडकर जी को भी अपना समाज छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाना पड़ा, ऐसे ही आदिवासी दलितों के साथ भी आने वाला भविष्य में होने की करने की तैयारी हो रही है। बड़ा सुनियोजित तरीके से अनेकों कालखंड को देखेंगे अध्यक्ष महोदय, जो इन आदिवासी दलित पिछड़े अल्पसंख्यक के ऊपर अत्याचार हुए हैं, वो अत्याचार अध्यक्ष महोदय नए नए चेहरे, नए नए शक्ल, नए नए रूप में दिखते रहे हैं। आज उसी का जीता जागता उदाहरण 31 जनवरी को देखने को मिला है। और आज कहीं ना कहीं इन वर्गों के प्रति जो हमारे सत्ता पक्ष की घृणाएं हैं, ना जाने इनकी घृणाएं इतनी, इनको ताकत कहां से मिलती है, ये हमारे समझ से परे है। इतनी घृणा, इतना द्वेष का के प्रति इनका आदिवासी दलितों के प्रति कि आप इससे अंदाजा होगा कि इन्हें के पाले हुए तंत्र, ये कहते शर्माते नहीं कि जंगल में थे तो जंगल में ही इनको रहना चाहिए, हम जंगल से बाहर आ गए, इनके बराबर बढ़ गए तो इनके कपड़े मैले होने लगते हैं, ये हमें अछूत दिखते हैं। और इन्हीं विडंबना को तोड़ने के लिए हमने एक प्रयास किया था अध्यक्ष महोदय, क्योंकि झारखंड आदिवासी दलित पिछड़ा राज्य है, इन समूह को आगे बढ़ने का इनका मार्ग प्रशस्त करने में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी। इनका बस चले तो हम अभी भी जंगल में जाकर के वही 50-100 साल पुरानी जिंदगी में जिए,
और मुझे इसका आभास था। अध्यक्ष महोदय, जो इनके अंदर छुपी कुंठा है वो आए दिन ये बयां करती थी, इनके आचरणों से, इनके आचरणों से, इनके बयानों से। लेकिन हमने हार नहीं मानी है अध्यक्ष महोदय। इनको लगता है कि मुझे जेल के सलाखों के अंदर डालकर ये अपने मंसूबे में सफल हो जाएंगे। ये झारखंड है अध्यक्ष महोदय, ये देश का एक ऐसा राज है जहां हर कोने में आदिवासी, दलित, पिछड़े वर्गों से अनगिनत सिपाहियों ने अपनी कुर्बानी देकर यहां के आदिवासी दलितों की जान बचाई। देश आजादी के सपने भी ये लोग नहीं देखते थे अध्यक्ष महोदय, तब से झारखंड के आदिवासी अपनी हक अधिकार की लड़ाई लड़े। ये तो बहुत बाद में आए, लेकिन बौद्धिक संपन्नता, आर्थिक संपन्नता, आज तक इन लोगों ने देश का गांधी टोपी नहीं पहना अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जिनको देश के विशेष और काफी संवेदनशील व्यवस्थाएं कही जाती है, जहां करोड़ों रुपया, 12 लाख 14 लाख करोड़ रुपया डकार कर इनके सहयोगी विदेश में जाके बैठे हैं, उनका एक बाल बाका करने का औकात इनके पास नहीं है। इनके पास औकात है देश के आदिवासी, दलित, पिछड़े के ऊपर और बेगुनाह लोगों पर, और उसमें भी गुनाह क्या हो तब की बात तो अलग है, बेगुनाहों पर अत्याचार कर। आज मुझे किस लिए अरेस्ट किया गया अध्यक्ष महोदय? 8.5 एकड़ जमीन के घोटाले पर। अगर है हिम्मत सदन में तो कागज पटक कर दिखाए कि 8.5 एकड़ का जमीन हेमंत सोरेन के नाम पर है, अगर होगा मैं उस दिन से राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। अध्यक्ष महोदय, जब राजनीतिक रूप से ये नहीं सकते हैं तो ऐसे ही बैकडोर से हमला करते हैं, पीठ पर हमला करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आंसू नहीं बहाऊं, आंसू वक्त के लिए रखूंगा, आप लोगों के लिए आंसू का कोई मतलब नहीं, आदिवासी दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासी के आंसुओं का कोई मोल नहीं। वक्त आने पर हम इनके एक एक सवालों का जवाब और एक एक इनके षड्यंत्र का जवाब वक्त आने पर बड़ी माकूल तरीके से दिया जाएगा। एक्चुअली दुर्भाग्य है अध्यक्ष महोदय इस राज्य का, तथाकथित हमारे राज्य के ही कुछ लोग जो ऐसे सामंती विचार वाले के चरणों में जाकर के झुककर उनकी सेवा और पूजा अर्चना में लगे, नहीं तो इस राज्य की इतनी दुर्दशा नहीं होती अध्यक्ष महोदय। राज अलग हुए 23 साल हो रहे हैं, 24 साल हो गए अध्यक्ष महोदय, किसने सबसे अधिक राज किया इस राज्य? ये मुझे बोलने का जरूरत नहीं है, किसी को बताने की भी जरूरत नहीं, सब अपने गिरेबान में देखें, सबको पता चलेगा कौन कहां बैठा, किसने क्या काम किया। घोटाले इनको 2024 से ही नजर आ रहे, 2000 से नजर नहीं आ रहे, 2019 से ही इनको नजर आ रहे। आज ये नहीं चाहते अध्यक्ष महोदय देश का आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक देश के सर्वोच्च स्थान पर पहुंचे, ये नहीं चाहते कि ये जज बने, ये नहीं चाहते ये आईएएस आईपीएस बने, ये नहीं चाहते ये राजनेता बने। इन्हीं के साथ बैठे लोग हैं, इन लोगों ने भी आदिवासी नेता बनाया था मुख्यमंत्री, बता दीजिए इन कितने आदिवासियों ने 5 साल पूरे किए, और मुझे पता था ये मुझे भी 5 साल पूरा करने में रोड़े अटकाएंगे, और नतीजा यह हुआ आखिरी सांस तक कुछ भी करो 5 साल पूरा नहीं होना चाहिए, रिकॉर्ड में नहीं लिखना चाहिए, रजिस्टर में नाम नहीं आना चाहिए, बस यही। अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने सर झुकाकर चलना नहीं सीखा, यही
खासियत है आदिवासियों। लेकिन होता है कि सरसों में ही भूत है तो सर भूत भागेगा कहाँ, माफ कीजिएगा, सरसों में ही भूत है तो भूत भागेगा कहाँ। यहाँ कुछ भूत ऐसे भी हैं जिसकी वजह से ये कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। बहुत प्रयास हुआ, जब जब हम लोगों ने अलग राज्य का परिकल्पना किया तब भी इन लोगों ने हंसी उड़ाई, आदिवासी लोग अलग राज्य लेगा। जब हम सत्ता में आए आदिवासी सत्ता चला पाएगा, कुछ दिनों में गिर जाएगा। मैं हवाई जहाजों में चलता था अध्यक्ष महोदय, उसमें भी इनको तकलीफ। मैं 5 स्टार होटलों में रुकता था, उसमें भी इनको तकलीफ। मैं BMW कार में घूमता हूं, उसमें भी इनको तकलीफ। क्या कहावत है कि हम करें तो गुना, ये करें तो क्या, यही कहावत है। खैर छोड़िए, अध्यक्ष महोदय बड़ा विचित्र स्थिति है। अब जो स्थिति दिखाई दे रहा है अध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर झारखंड के परिपेक्ष के अलावा पूरे देश के पैमाने में अब आदिवासी दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं। विशेषकर झारखंड में तो यहाँ के खनिज संपदाओं को जो वर्षों से इस पर लोगों की गिद्ध नजर है और आगे भी रहेगी। ये तो हम थे अध्यक्ष महोदय, ये बहुत फूक फूक करके उनको आगे बढ़ना पड़ता था। ये खुला दरवाजे की आदि हो चुके हैं, इनको कोई रोक टोक नहीं कर सकता। जो इनके सामने आएगा वो इसी तरीके के अंजाम से उनको गुजरना पड़ेगा। और इनको लगता है ऐसे अंजाम देने से झारखंड के लोग घबरा जाएंगे। ये आप लोगों की बहुत बड़ी भूल है, और इतनी बड़ी ये भूल होगी तो झारखंड का इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। अध्यक्ष महोदय, आज जो षड्यंत्र का पैमाना है वो इस कदर बड़े, उसके जो दायरे बने हैं, कानून के अंदर रह करके गैर कानूनी काम करना कैसा हो ये कर किसी से सीखना हो तो इन लोगों से सीखिए और इनके संस्थाओं से सीखिए। मैं तो कहता हूं, मैं फिर से कहता हूं कि आप लोग दस्तावेज लाइए सदन में, कि आपने ईडी और CBI को सपोर्ट कीजिए और कोर्ट में पेश करें। एक भी दस्तावेज अगर आप लोग निकाल के दिखा दें कि हमने 8.5 एकड़ जमीन हड़पी है तो मैं उसी दिन राजनीति से संन्यास किया, झारखंड छोड़ के चला जाऊं। अब इनको नहीं मिला तो हमारे बीबी बच्चों परिवारजनों के खाता बही ढूंढने में लगे, ये पैसा कहां से आया, वो पैसा कहां से आया, ये आया वो आया। अध्यक्ष महोदय, असमानताएं देखिए इसी सदन के अंदर, जो सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे ऋण, जो यहाँ के आदिवासी विधायकों को कितने वर्षों के लिए मिलता है और गैर आदिवासियों को कितने सालों के लिए मिलता है। इस विषय पर गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। देखो ये बहुत लंबी लड़ाई है। आज जिस तरीके से बड़ा मछली छोटा मछली को खा जाता है, सामाजिक व्यवस्था में भी यही कहानी है। एक बड़ी व्यवस्था छोटी व्यवस्था को खाने का हर वर्कस प्रयास करती है। प्रभु राम का प्राण प्रतिष्ठा हुआ 22 जनवरी को, राम राज आ गया, पहला कदम बिहार पड़ा। बेचारा एक पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति की क्या हद होगी आप जानते हैं। दूसरा कदम झारखंड पर पड़ा, एक आदिवासी मुख्यमंत्री को निकलने का प्रयास। क्योंकि इस आदिवासी मुख्यमंत्री के शरीर में हड्डियां कुछ अधिक है, इसलिए उस हड्डी को निकालने के लिए ED उसका डिसेक्शन करने में लगी हुई, ताकि हम कैसे इसको निकल जाए। लेकिन इतना आसान नहीं, गलती से गले में फंस गया तो पूरा का पूरा हाथड़ी फाड़ के बाहर। इस वजह से संभल के खाने का कोशिश कीजिएगा। इस वजह से अध्यक्ष महोदय, मुझे कोई गम नहीं कि मुझे आज ED ने पकड़ा। जिस तरीके से बंधुदा का सदस्यता लिया, ये आप चुनाव नहीं लड़ सकते, हो सकता है मेरा भी यही असर करे। सत्ता लुलुपता के लिए हम लोग कभी नहीं आए अध्यक्ष महोदय, लेकिन यह बात मैं सदन में कहना चाहूंगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का उदय
झारखंड के मान सम्मान स्वाभिमान को बचाने के लिए हुआ है, और इस मान सम्मान स्वाभिमान के प्रति जो भी बुरी नजर डालेगा उसको हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, चाहे राजनीतिक रूप से हो, चाहे कानूनी रूप से हो, चाहे वो किसी भी जंग मैदान में हो। यह हमारा संकल्प, ना हम पीछे हटे हैं, ना हम लोग पीछे, हम लोगों ने पीठ दिखाई है अध्यक्ष महोदय। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मुझे तो कोर्ट का आदेश है कि मीडिया के सामने या बाहर वक्तव्य नहीं देना है। तो हमने ईडी वाले से पूछा, क्या सदन में भी बात नहीं रखनी है? तो उन्होंने ये भी कहा, नहीं सदन में भी आप नहीं रख सकते। हम बोले वाह। तो मैंने कहा कि आइए स्पीकर साहब के टेबल में खड़े हो जाइए, बैठ जाइए, वहां से आदेश जारी कीजिए, फिर हम चुप हो जाएंगे। ये स्थिति है अध्यक्ष महोदय। अब उस दिन का इंतजार है, अभी तो गवर्नर हाउस का फॉरम पूरा हो गया, अब विधानसभा से लोग कब अरेस्ट होंगे, राष्ट्रपति भवन से कब अरेस्ट होंगे, लोकसभा राज्यसभा से लोग कब अरेस्ट होंगे? 150-200 सांसदों का निलंबन, क्या अध्यक्ष महोदय ये इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा? अध्यक्ष महोदय बड़ी विचित्र स्थिति देश में। और मैं ये कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, विशेषकर आदिवासी दलित पिछड़े भाइयों से, आप तैयार हो जाएं। अब शोषण की एक नई परिभाषा गढ़ने जा रही है। अगर आपने आपको आपने कमजोर किया तो आने वाली पीढ़ी कभी माफ नहीं करेगी। तो अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय आए और 32 पेज का इन्होंने अभिभाषण पढ़ा, हम लोग लाख चिल्लाते रहे, अध्यक्ष महोदय अभिभाषण पढ़ के क्या होगा जब देश में लोकतंत्र ही नहीं बचेगा? आज हर चीज पिछले दरवाजे से हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, खैर इतना तो हम लोग बुद्धि ज्ञान है नहीं, लेकिन समय ऐसा भी नहीं है, समय से बड़ा बलवान धरती में कोई नहीं है, और वक्त फिर गुजरे, फिर घूमेगा, और फिर हम आपके सामने उपस्थित होंगे, और इतनी मजबूती के साथ उपस्थित होंगे कि फिर जो षड्यंत्र कर रहे हैं वो षड्यंत्र आपके धरे के धरे रहे, और इस देश के और अपने राज्य के आदिवासी दलित पिछड़ों के लिए जो संघर्ष करना होगा वो करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। धन्यवाद।